गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। आईएसएल मैच मैं आज कवर नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सम वर्क, बट ये दोनों मैचेस मैं कवर कर रहा हूँ, कोरिया वर्सेस पुर्तगाल और घाना वर्सेस उरुगे। तो बात करें इस मैच की 3 घंटे 16 मिनट बाद जो खेला जाएगा, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो कोरिया और पुर्तगाल में जो मैच होने वाला है गाइस, इसके अंदर मैं फेवर करूँगा पुर्तगाल को। एक्चुअली पुर्तगाल एज़ कम्पेयर टू कोरिया टीम बहुत इस सीजन अच्छी चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा है, देखो भाई रोनाल्डो गोल करे ना करे, बस टीम जीतनी चाहिए। अगर आप एक प्लेयर के भरोसे कभी मत रहो। देखो रोनाल्डो ने फर्स्ट मैच के अंदर बढ़िया पेनल्टी ली थी, सेकंड मैच के अंदर 82 मिनट में सब्स्टिट्यूट होकर एक भी गोल नहीं किया था, बट जिसने पेनल्टी ली थी वो था ब्रूनो फर्नांडिस। अब ब्रूनो की जगह अगर ये पुर्तगाल की पेनल्टी अगर रोनाल्डो को दिलाते तो डेफिनेटली वो भी गोल करता। तो मेरी नज़र में पुर्तगाल की पेनल्टी टेकर जो असली है वो रोनाल्डो ही है, सो आई एम टेकिंग रोनाल्डो। एंड नेक्स्ट प्लेयर वॉज जॉ फिलिक्स, इसको लेंगे। और सी ग्यू संग ने पिछले मैच में मेरी लाज रख ली, 2 गोल कर दिए, मेरी टीम में भी था, बट कई लोगों ने मेरी टीम में कुछ चेंजेस कर बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी किया। इसको वाइस कैप्टन, इसको कैप्टन तक रखा कई बंदों ने अपनी टीम में जीएल जीतने के लिए, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। बहुत अगर आप ऐसी अगर अलग अलग चेंजेस करते हो ना, मेरे को बहुत खुशी होती है क्योंकि आप जीत रहे हो। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप टीम में चेंज क्यों कर रहे हो। अगर आप 20 पॉइंट आगे जा रहे हो या 100 पॉइंट आगे जा रहे हो तो ये चीज़ में खुशी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ही टिके रहो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एचमिन सन को लेंगे क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि आपने इसको नहीं लिया। तो गाइज एचमिन सन एक पेनल्टी टेकर के साथ साथ अपने सीजन का सबसे एक टॉप खिलाड़ी भी रह चुका है। पता नहीं इस सीज़न चल नहीं रहा, मैं एग्री करता हूँ, इस सीज़न कौन चला है बड़ा प्लेयर? मेस्सी को छोड़ के अगर आप गिनती करोगे तो कोई खास नहीं चला इस सीज़न। ब्राज़ील का नेमर नहीं चला था फर्स्ट मैच में, अब वो इंजर्ड के बैठा है। सिर्फ देखा जाए तो छोटे प्लेयर्स के ऊपर गेम है, जैसे देखो ब्रूनो फर्नांडिस इतना भी कोई मतलब फीफा के अंदर बहुत गोल्स किए, मैं वो नहीं कह रहा, मतलब एक तरह उसके लिए भी फीफा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो अगर जितने गोल करेगा उसके लिए भी अच्छा है। और रोनाल्डो का बड़कपन कहूँगा, जो लास्ट मैच में इसने पेनल्टी ली उसमें रोनाल्डो का बड़कपन है, इसका नहीं। आगे से बात करें एचिन ब्योम की जगह आप कोई और प्लेयर भी ले सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि इसको भी लीजिए। और नीचे से एन सैंग हो को ले सकते हो, एल जयसंग को ले सकते हो, इनके नाम बहुत घटिया हैं आपको बता दूँ, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना क्योंकि यहाँ पर नाम को लेकर काफ़ी चक्कर रहता है। और देखो अगर आपने ज़्यादा सेफ जाना है तो कुछ ना कीजिए, बी सिल्वा को ले लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ना एक चक्कर रहेगा। यहाँ पे आपने जैसे इसको लिया पिछले मैच के अंदर, नूनो मेंडिस हो गया बुरी तरीके से इंजर्ड, तो वो तो खेलने से रहा। अब जो खेलेगा एक कंसेलो, एक रूबन दियास, एक राफेल गुरेरो, ठीक है, ये हमारे तीनों प्लेयर डन हो गए। अब बचता है फोर्थ प्लेयर जिसका नाम है पेप। अब इसको लेना है नहीं लेना ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, क्योंकि अगर आपने इसको लेना है देन यू हैव टू ड्रॉप बी सिल्वा, और आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं लूँगा के जिन सू को। ये मत समझना कि मैंने शुरू के 4 प्लेयर ले लिया, ऐसा नहीं है गाइस, जो अच्छे हैं मैं वही लूँगा। आगे से बात करें यहाँ पे लेंगे वन अनदर प्लेयर किम सेंग यू को, होपफुली आज अच्छा खेले, बस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये नहीं बोल सकता कि ये ऐसा ही खेलेगा। आगे से अगर बात करें कैप्टन की, माय कैप्टन वॉज ब्रूनो फर्नांडिस, वाइस कैप्टन वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो को हल्के में मत लेना, क्योंकि हल्के में लोगे तो गाड़ी निकल जाएगी आप लोगों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।